सो गाइस, जो पास हमने बनवाया था, जो हमारे गाइड भैया ने बनवाया था पास, तो वो उसके जो पैसे होते 200 रुपये, वो सबमिट होंगे आपके थोड़ा गौमुख के ट्रैक पर आगे चलकर। अभी तो हम 500 मीटर को छा चुके हैं और ज़्यादा ही आ पाए होंगे, तो ये उस जगह पर आकर सबमिट होंगे 200 रुपये। आपको ऑफिस में नहीं देने हैं, वन विभाग वाली टीम बैठी होगी चेक पोस्ट पे, वो आपसे 200 रुपये पर पर्सन का जो भी चार्ज है स्टैंडर्ड, वो आपसे ले लिया जाएगा। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी पूरे ट्रैक की, कि कैसे पूरा ट्रैक आपको करना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज इसमें आएंगी। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ, जब हम गंगोत्री से चढ़े थे तो थोड़ा स्टीप था, बट अभी काफ़ी प्लेन है, सो लेट्स सी कहाँ से स्टीप चालू होता है, आपको बताते हैं। गाइस, बैग वगैरह सब पैक हो चुके हैं, डंडे ले लिए हैं, पानी की बोतल ले ली है, ये हमारे वो बैग हैं जो हम सबमिट करेंगे यहाँ पर होटल में, और बाकी एक मेरा बैग गिरा, एक बैग भाई का बैग हो रहा, 3-3 लीटर की तो उसमें बोतल हैं, बाकी ये बोतल हमने इतने दिन में पी ली है। आज है हमारा लास्ट डे, सुबह हम यहाँ पे बोल देंगे इसको बाय बाय। सो गाइस, रेडी फॉर गौमुख ट्रैक, निकल चुके हैं हम, ये आगे जा रहे हैं गाइड भैया और एक भाई, और यहाँ हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज हम जा रहे हैं गंगोत्री से गौमुख। तो अभी जस्ट हम निकले हैं यहाँ से, ये नीचे आप देख सकते हो गंगोत्री का मंदिर है, और ऊपर से जा रहा है रास्ता, तो काफ़ी चढ़ के आना पड़ा है इसलिए सांस फूल रही है, और बाकी मोटापा तो है ही भाई। तो नाश्ता वगैरह कर लिया अभी हमने हल्का फुल्का, चाय ब्रेड, और बस अब निकल चुके हैं ट्रैक के लिए। तो आगे जा रहे हैं गाइड भैया हमारे, और ये रहे भाई, और ये रही वादियाँ। एक रास्ता ये है ऊपर आने का, और ये पूरा आप डिस्टेंस देख सकते हो, तो अभी यहाँ से पहले हम फर्स्ट स्टॉप लेंगे चिड़वासा पे, देन उसके बाद स्टे करेंगे भोजवासा पे, भोजवासा से अगले दिन हम करेंगे ट्रॉली क्रॉस तपोवन के लिए। हालांकि हम तपोवन नहीं जा रहे हैं, बट हाँ, हमको गौमुख तक तो जाना ही है। एक्चुअली में क्या है कि अगर आप ट्रॉली क्रॉस नहीं करोगे तो आप गौमुख नहीं देख पाओगे, क्योंकि गौमुख क्या है, ऐसा बताते हैं कि हर साल वो थोड़ा थोड़ा पीछे शिफ्ट होता जा रहा है, और पहले से कहा जाता था कि गौमुख गंगोत्री में ही हुआ करता था, लेकिन अब वो यहाँ से 20 किलोमीटर कुछ दूर पहुँच चुका है वो। तो गौमुख जाने के लिए दो तरीके के पास बनते हैं, अगर आपको रिवर क्रॉस नहीं करनी तो आप 200 रुपये के पास में जा सकते हो सीधा, यहाँ पर आपका वन विभाग का एक ऑफिस है, वहाँ से वो पास बन जाएगा। लेकिन अगर आपको रिवर क्रॉस करनी है तो उसके लिए आपको गाइड चाहिएगा, और उसका एक अलग से पास बनेगा, बिना गाइड के आपको अलाउ नहीं है रिवर क्रॉस करना। सो गाइड, जो पास हमने बनवाया था, जो हमारे गाइड भैया ने बनवाया था पास, तो वो उसके जो पैसे होते 200 रुपये, वो सबमिट होंगे आपके थोड़ा गौमुख के ट्रैक पर आगे चलकर। अभी तो हम 500 मीटर को छा चुके हैं और ज़्यादा ही आ पाए होंगे, तो ये उस जगह पर आकर सबमिट होंगे 200 रुपये। आपको ऑफिस में नहीं देने हैं, वन विभाग वाली टीम बैठी होगी चेक पोस्ट पे, वो आपसे 200 रुपये पर पर्सन का जो भी चार्ज है स्टैंडर्ड, वो आपसे ले लिया जाएगा। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी पूरे ट्रैक की, कि कैसे पूरा ट्रैक आपको करना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज इसमें आएंगी। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ, जब हम गंगोत्री से चढ़े थे तो थोड़ा स्टीप था, बट अभी काफ़ी प्लेन है, सो लेट्स सी कहाँ से स्टीप चालू होता है, आपको बताते हैं। तो गाइस, इतना चलने के बाद
आ चुकी है हमारी फाइनली चेक पोस्ट गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ पर जो हमारे पासेज हैं वो सब चेक होंगे। और यहाँ पर पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जानवर भरल, ब्लू शीप। सो भाई लोगों, ये देख सकते हो आप पीछे गेट हमारे गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ से पास चेक होकर एंट्री होगी हमारी, फिर हम आगे जा पाएंगे। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, इसके बाद आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। तो जो भी करना है आपको इस पॉइंट से पहले कर लो, जितनी फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है कर लो। वहाँ तक जाओगे आप? हम जाएंगे या गाँव और आज का स्टे कहाँ पर करोगे? भोजन कर लो, मैं आपको अकेले जाने जाएगा। अकेले से परमिशन बनानी पड़ेगी, परमिशन बनानी पड़ेगी मेरे को। चार्ज लेगा उनसे पूछ लो आप, ये भी आ रहे हैं। हाँ, ये बिना लाइट के आ जाओ भाई आपको। तो भाई सोलो जाना अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो आपको किसी के साथ नहीं जाना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है परमिशन में भी। सो दोस्तों, अगर आप कैमरा लेके आते हो तो आपको 500 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि गवर्नमेंट है। और बाकी भाई आप पीछे नज़ारे बहुत ही बेहतरीन देख ही सकते हो। सो भाई, इसने अभी हमसे 1100 रुपये ले लिए हैं वन विभाग वाले ने। 1100 रुपये में 500 रुपये डिपॉजिट था और 200 रुपये हमारी फ़ीस, मतलब गाइड की फ़ीस भी हमको ही पे करनी पड़ी। तो कुल मिला के स्टार्टिंग में 1100 रुपये का खर्चा हो चुका है, और अभी गाइड भी हमसे 1500 रुपये पर डे का चार्ज करेगा। हमने कोई पैकेज नहीं लिया है, हमको खाली ट्रॉली पार करनी है बस। ऊपर निकल गया और वो भैया 5400। सो गाइस, ये आप एल्टीट्यूड का डिफरेंस देख सकते हो। तो ये जहाँ तक आप ग्रीनरी देख पा रहे हो, इसका मतलब ये विदिन 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पर है, जहाँ पर पहाड़ गंजा होना शुरू हो गया, मतलब कि ग्रीनरी ख़त्म। वहाँ से आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा। और पीछे आप देख सकते हो वो है माउंटेन पूरा एक अपना, बर्फ़ की ग्लेशियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है। तो आपको पहाड़ों के सारे टाइप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साढ़े तीन से ऊपर एल्टीट्यूड पर हम आ चुके हैं, 3500 मीटर से।
यहाँ से बहुत ज़्यादा खुल गई है। और ये आप देखो रेंज पूरी, कौन सी रेंज है भाई ये? और वो वाली कौन सी पीक है? सो गाइस भोजवासा में अभी बैठे हुए हैं अपन। ये पीछे आप देख सकते हो टेंट, इसमें हम आज रात स्टे करने वाले हैं और कल निकलेंगे गौमुख के लिए। आज थोड़ी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है अपनी। और बाकी आप पूरा व्यू देख सकते हो यहाँ से, सामने ग्लेशियर, भागीरथी 1, भागीरथी 3 और भागीरथी 2। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये ट्रॉली है, अगर किसी को तपोवन जाना है तो वो इस ट्रॉली के थ्रू जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पास होना चाहिए उस पर। देख सकते हो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से ये पार होती है। ये दोनों तरफ से बहुत मेहनत लगती है इसमें, उस तरफ से भी अगर ये इधर से जा रहा है ऐसे तो वहाँ पर खींचने के लिए भी पावरफुल बंदे चाहिए, और अगर आ रहा है तो यहाँ पर भी पावरफुल बंदे चाहिए खींचने के लिए। तो गाइस मोस्ट टफ पार्ट यही होता है कि बीच में से लाना, क्योंकि यहाँ से तो आराम से फिसल के चली जाएगी लेकिन जाके ये बीच में रुक जाएगी, तो सबसे मुश्किल काम है बीच में से इसको खींचना। तो ये भैया देख सकते हो खड़े हुए हैं खींचने के लिए, और ये उन्होंने पकड़ ली, अब ये इसको खींच के लाएंगे जल्दी से। तो 3 बंदे यहाँ से खींच रहे थे, अब 2 बंदे आगे आ गए, तो अब ये थोड़ा जल्दी आ पाए। पर इट इज़ टू रिस्की, अगर कोई भी घटना घटी तो खेल ख़त्म है। दोस्तों आपको GNBN के भी यहाँ पर टेंट इजीली मिल जाएंगे, बट आपको इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले से। इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और बाकी अगर आप टेंट में रुकना चाहते हो या फिर आप किसी प्लान के साथ आए हो तो वो अलग चीज़ है। टेंट में रुकने के 500 चार्जेज हैं पर डे के। और ये आप व्यू देखो, वाला जो टावर देख रहे हो आप, ये वेदर डिटेक्शन सिस्टम है, परमानेंट मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है ये, जो कि बनाया है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने, एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, जो भी वेदर चेंज होता है ये रिपोर्ट कर देती है नीचे गंगोत्री में, जिससे कि अगर कोई तूफान या फिर कोई एवलांच वगैरह आता है तो उनको पता चल जाता है और सब उसके अकॉर्डिंग सतर्क हो जाते हैं। सोलर पैनल से चल रहा है। सो खाना खाने आ चुके हैं अपन। हरिओम। सो दीज गाय आर फ्रॉम इटली, मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ। और पहाड़ों का व्यू, यहाँ पर हम खा रहे हैं खाना। सो इसमें यहाँ पर 2 स्टोव हैं, एक तो गैस वाला स्टोव और एक केरोसिन स्टोव। मेरे में भैया बहुत कम, ये काम करें देखना इससे बढ़िया। तो बस 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 इसमें तो गर्मी सी है, गर्मी है। करंटली अभी हम बैठे हुए हैं भागीरथी किनारे, ये आप देख सकते हो, और ये ट्रॉली जिससे हमें कल इसको क्रॉस करके वहाँ जाना है। तो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रिप इज दिस, और ये आ रही है हमारी भागीरथी गंगा नदी गौमुख से पिघलकर। ऐसा बताया जाता है कि गौमुख पहले पीछे हुआ करता था, धीरे 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 वो पीछे होता जा रहा है, तो एक ना एक टाइम पर वो विलुप्त हो जाएगा। सो हेलो गाइस, आज है हमारा डे 2 भोजवासा में, और आज हम ट्रॉली क्रॉस करने वाले हैं, और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, ब्लैक टी और छोले नाश्ते का मेन्यू। रात को हमें मिला था कल रोटी सब्जी सोयाबीन की और दाल चावल।
तो ये था कल रात का मेन्यू 500 रुपये में, बट एक बीटी हो गई हमारे साथ में, हमको गाइड का भी पे करना पड़ा। हमें लगा कि हमको गाइड का नहीं देना पड़ेगा, हमको सिर्फ उसके चार्जेस देने हैं, तो ये अभी तक का कटा है हमारा। सब तैयार खड़े हैं गाइस, ट्रॉली जैसी चालू होगी सब चल देंगे अपने अपने, और ये वेदर का पूरा सेटअप। सो गाइस अभी खड़े हैं हम ट्रॉली पार करने के लिए यहाँ पर, तो अभी परमिशन चाहिए फॉरेस्ट वाले से, वो परमिशन देगा तभी जा पाएंगे हम। तो अभी गाइड ही आया हमारा बात करने फॉरेस्ट वाले से, लेट्स सी परमिशन मिलती है नहीं मिलती, नहीं तो फिर हमें उस वाले ऑर्डिनरी रास्ते से जाना पड़ेगा, और कुछ दिखेगा अभी नहीं। बाकी आप व्यू को एंजॉय कर सकते हो पीछे का। सो भाई फाइनली 2 घंटे बाद ट्रॉली क्रॉस कर दी अपन ने, और हम आ चुके हैं नदी के उस तरफ से इस तरफ, और भाई हाथ का देख ही सकते हो रस्सी उतरने में लग गई। क्या हुआ वे भाई, लग गई क्या हाथ में? बाकी भाई आप ये नज़ारा देख सकते हो सामने भागीरथी ग्लेशियर। तो ऐसा कुछ रास्ता है गौमुख के लिए जाने का, बिल्कुल भी प्लेन नहीं है। सो गाइस सामने आप जो ये पीक देख रहे हो ये है शिवलिंग पर्वत, और इसके सामने है भागीरथी रेंज, भागीरथी 1-2। पीछे वाली कौन सी है? ये फ्रंट है जो 2 है, फ्रंट वाली 2 है, बीच में 3 है, बीच में 3 उधर से है, और ये वाली जो है 1 है। तो भाई रास्ता आप देख ही सकते हो गौमुख का कितना टिपिकल रास्ता है। चलो मोहन शिवलिंग दिखाओ एक बार भाई दोबारा, वो अपना मोहन शिवलिंग सामने सारी भागीरथी की तीनों। सो गाइस आज यहां पे आए गए, पिछली बार हम सामने से देखा था, सामने देखा वहां से गौमुख देखा था, लेकिन दिखता ही नहीं है हमको ये इस जगह से जा रहे हैं। तो वे भाई कोई टिप्स देना चाहोगे अपने फॉलोअर्स को? ताकि आप एल्टीट्यूड के सारे ट्रैक फेल हो जाएगा। हम आ रहे हैं वहाँ से, और ये आपको सीधा सीधा लग रहा है लेकिन ये सीधा है नहीं, हालत ख़राब हो गई इसको चढ़ने में, इतना तो पहाड़ चढ़ने में हालत ख़राब नहीं हुई थी क्योंकि प्लेन है और स्टीप है। और बाकी आप देख सकते हो भागीरथी पीक से हम काफ़ी करीब,
और ये जो चमक रही है सामने छोटी सी छोटी, ये है शिवलिंग पीक। बिल्कुल भाई लद्दाख जैसी वैली लग रही है, बट लद्दाख नहीं है, उत्तराखंड की वैली है ये। सो भाई फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं गौमुख, थोड़ा सा ही दूर है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है गौमुख, तो जा रहे हैं हम यहीं पर। पूरा ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, इसी से हमारी भागीरथी गंगा नदी जो है वो निकलती है। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड गौमुख, और सामने आप देख सकते हो भागीरथी नदी जिसे गंगा नदी कहा जाता है। ये बिल्कुल प्योर ग्लेशियर है सामने मिट्टी का, तो इसीलिए गंगा नदी का पानी थोड़ा मटमैला होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्योर बर्फ पिघल के आ रही है, और पानी का फ्लो आप देख ही सकते हो कितना तेज है। सो गाइस पीछे आप देख सकते हो गौमुख, फाइनली पहुंच चुके हैं हम आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। और ये जो कलर आप देख रहे हो ये पूरी बर्फ है, ये पत्थर नहीं है, तो ये बर्फ पिघलती जा रही है, एक दिन ये विलुप्त हो जाएगी। ये पहले गंगोत्री पर हुआ करती थी, लेकिन ये धीरे 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 ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पीछे शिफ्ट होती जा रही है। बाबा ये ठंडे ठंडे बर्फ के पानी से नहा लिए हैं, और यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हो गौमुख का, मेरा गौमुख। और गौमुख के जस्ट सामने ये जो पीक देख रहे हो ये है शिवलिंग पीक, और ये रास्ता जा रहा है तपोवन के लिए ऊपर, तो जो तपोवन जाते हैं वो इस वाले रास्ते से ऊपर जाते हैं। इस शुद्ध जल बिल्कुल ग्लेशियर का पिघला हुआ भर लिया है हमने, ये है प्योर वाटर गंगा जी का, देख सकते हो आप मिट्टी का पानी है इसमें भी, क्योंकि ये ग्लेशियर ही मिट्टी वाला है पूरा। सो गाइस ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो सामने, तो ये पहले यहाँ पर गौमुख था 1994 में, भैया बता रहे आए थे, तो इस जगह पर गौमुख हुआ करता था। और आज देखो कितना पीछे यहाँ से 1.5 किलोमीटर सरक चुका है, और अभी भी हालांकि सरक ही रहा है। सो गाइस भोजभाषा से लौटने का टाइम हो चुका है, ये हम लौट रहे हैं। हम एक घंटे में गौमुख से भोजभाषा वापस आ गए थे, पूरी स्पीड में चले थे भाई, जितना हमारी कैपेसिटी थी चलने की। और अब आधे घंटे एक घंटे का स्टे करने के बाद भोजभाषा पे अब निकल रहे हैं नीचे की तरफ, ढाई बज चुका है। सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। पीछे का व्यू आप देख सकते हो गाइस, भाई सैल्यूट है इन भैया को, देख रहे हो आप कितना कितना सामान ये ढोते हैं ऊपर तक और लेके जाते हैं। हमारे पे तो एक बैग नहीं चलेगा, और इन भैया को देखो पूरा पोर्टल लेके चल रहे हैं हाथ में, सारा सामान अवेलेबल है। हाँ भैया दिखाना तो चाहिए आपको भी, कितनी मेहनत कर रहे हो आप। हम तो ऐसे ही चल लेते हैं एक बैग लेके। मैं लिख के दे रहा हूँ आप 4 कदम नहीं चल पाओगे इतने वजन को लेके। और ये अभी हम वैलियों के बीच में हैं, तो उसकी वजह से हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, वैली में आपस में पहाड़ों से टकरा के हवा काफ़ी तेज़ आती है। हर हर महादेव, मैंने घर के पीछे पीछे आ रहा हूँ, हर हर महादेव। तो भाई हमारा टारगेट है अंधेरे होने से पहले लौटने का, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो ट्राई करेंगे अंधेरा होने पहले से लौट पाएँ। तो गाइस चेक पोस्ट से 2 किलोमीटर दूर बचे हैं, फाइनली गौमुख हो चुका है कंप्लीट, और हालत भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं चेक पोस्ट पर, और यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर बचा है गंगोत्री, तो अभी टाइम हो रहा है, तो अभी 6:30 हो रहे हैं, हम चले थे 4:45 पे, 2:45 पे चले थे हम, तो सही टाइम आ गया। हम कैसे लगे आपको ट्रैकिंग में? बढ़िया एकदम, एक्सीलेंट। सही सही बताओ, सही सही बताना, बिल्कुल चले तो हम अरे बढ़िया। बाकी ट्रैकरों के मुकाबले बताओ? बाकी
आके ट्रैकिंग पे आपकी यही है। जितना टाइम आप बोल रहे हो उतने पहले पहुँचते चले गए थे, उससे भी पहले ही पहुँच गए थे, पहले ही पहुँच गए थे, काफ़ी फिट थे, 7:30 बजे तो आई गए। फिट विट तो नहीं है, ऐसे ट्रैक बहुत करते हैं ना अपन, एक दो महीने में कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। हम यहाँ से दो तीन ट्रैक वगैरह, तो गाइस अरे बेचारा हमने पिछले साल हम लोग ट्रैक मार देते हैं, अरे कोई नहीं, चलते ही रहते कहीं ना कहीं। अब बॉडी भी थोड़ी सही रहती है, असलियत भी पता लगती है बॉडी की, भैया कितनी स्ट्रेंथ की ये हुए मेंटली भी और फिजिकल भी। कुछ भी सही हुई है, गौमुख देखना था हमें, गौमुख दिखा दिया आपने, वो मेन चीज़ वही थी बस आप लेको। इसलिए सुबह हम तो परेशान हो गए, हमने तो यही कहा भैया तुम ले लो यार, फिर पार कराओ, ये हो गई थी कंडीशन, हमें बस गौमुख देखना था यहाँ तक। तो गया था मानना डिस्टर्ब, ये तो हमारा पहले नंबर नो सुबह, हाँ सुबह 2 घंटे का फर्क पड़ गया, 2-2.5 घंटे का थोड़ा सा वो समय उनके लेडीज थे जो, हाँ परेशान कर दिया उन्होंने, उनको भी वो किया परेशान, 2 घंटे का वहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो हम आ जाते यहाँ पे 5 बजे वापस लौट के। टाइम ज़्यादा चला गया। सो गाइस ये था ब्लॉग गौमुख तक का, और भैया को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। अब मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। पकड़ो भैया, पकड़ो।